नागराज रुद्र नागरानी मनसा शिवलिंग के सामने ध्यान कर रहे थे, तभी नागराज रुद्र की गोद में ताम्र पत्र आकर गिरा। नागराज रुद्र ने उस ताम्र पत्र को पढ़ना शुरू किया। सोच के देखो एक बार, मिट्टी से बना एक शैतान सूर्योदय के साथ दिखे, जहां कण कण में हरियाली, वही मिलेगा तुमको भूलोक का ये शैतान। भोलेनाथ की ये पहेली थोड़ी मुश्किल लग रही है। समझ तो हमें भी नहीं आ रहा है नागरानी मनसा, शायद गुरुदेव हमारी मदद कर सके। हे गुरुदेव प्रकट हो। शेषनाग दोनों के सामने प्रकट हुए। दोनों ने शेषनाग को प्रणाम किया। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। इस पहेली को सुलझाने में हमारी मदद कीजिए शेषनाग। सूर्योदय के साथ दिखे जहाँ कण कण में हरियाली, मतलब सूर्योदय जिस दिशा में होता है वहाँ। पूरब दिशा में। कण कण में हरियाली मतलब जंगल। पूरब के जंगलों की दिशा में चल पड़ो। जी गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शेषनाग उन दोनों का मार्गदर्शन करके वहां से चले गए। नागराज रुद्र नागरानी मनसा पूर्व के जंगलों की तरफ चलने लगे मानव रूप में। नागराज, आपको क्या लगता है इस बार कैसी चुनौती आएगी हमारे सामने? हमें नहीं पता नागरानी मनसा, पर विजय हमारी ही होगी। हमारे साथ भोलेनाथ का आशीर्वाद है, हम अवश्य जीतेंगे। जी नागराज। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा ने अपना सफर जारी रखा। जंगल अचानक से शांत हो गया। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा समझ गए कि कुछ अनहोनी होने वाली है, और तभी उन्होंने देखा कि जंगल में एक शेर किसी इंसान के पीछे दौड़ रहा है। नागराज रुद्र उसकी जान बचाने के लिए शेर के पीछे भागने लगे। वो इंसान किसी पत्थर से टकरा कर गिर गया, और जैसे ही शेर उस इंसान पर हमला करने वाला होता है, नागराज रुद्र उस शेर पर झपट कर उसे पटक देते हैं। नागराज रुद्र उस शेर के सामने डट कर खड़े हो गए। उस शेर ने नागराज रुद्र पर फिर से हमला किया, और इस बार नागराज रुद्र ने शेर की पूंछ पकड़कर उसे हवा में गोल गोल घुमाकर पटक दिया। शेर डर गया और जंगलों में कहीं भाग गया। और फिर नागराज रुद्र उस आदमी के पास पहुंचे। मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अरे अरे, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, हमने तो तुम्हारी जान बचाई है। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम सिम्बा है, पर मुझे जाने दो। सिम्बा नागराज रुद्र और नागरानी मनसा से डरकर भागने के लिए खड़ा हुआ, किंतु वो फिर गिर गया। सिम्बा के घुटने पर चोट लगी थी, जिसकी वजह से सिम्बा चल नहीं पा रहा था। अरे तुम्हें तो चोट लगी है, देखो कितना खून बह रहा है। ए जी, आप जड़ी बूटी ढूंढिए। नागराज जड़ी बूटी ढूंढने लगे और नागरानी मनसा सिम्बा का घाव साफ करने लगी। तुम लोग मुझे नहीं मारोगे ना? मारना होता तो तुम्हारी जान क्यों बचाते? मुझे तो लगा कि आज मैं भी मर जाऊंगा। तभी नागराज रुद्र पौधा लेकर आए। हम दोनों इतने डरावने दिखते हैं क्या कि किसी की जान ले ले? मुझे माफ कीजिए, आप इतने शक्तिशाली हो कि आपने शेर को उठाकर पटक दिया, तो मुझे लगा कि आप वही हो जो लोगों का सिर फोड़कर मार देता है। सिर फोड़कर मार देना? हाँ, आप दोनों को नहीं पता क्या, ये बात तो हर कबीलों में फैल गई है। आप दोनों कौन से कबीले से हैं? हम किसी कबीले में नहीं रहते, हम अपने गांव जा रहे थे। किसी ने बताया था कि जंगल से जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, और शायद हम रास्ता भटक गए हैं। अच्छा, इसलिए सिर फोड़ के मारने वाले को नहीं जानते हो, बेखौफ जंगल में घूम रहे हो। यही पास में नदी है, उसके साथ चलोगे तो तुम्हारा गांव जरूर आ जाएगा। सारे गांव वहीं बसे हैं, नदी के तट पर। वैसे तुम क्यों अकेले इस जंगल में घूम रहे हो? मजबूरी में, दो दिन से कबीले वालों ने कुछ खाया तक नहीं है, इसीलिए मैं चुपके से शिकार ढूंढने आ गया। नागरानी मनसा ने सिम्बा के घुटने पर जड़ी बूटी का अर्क डाला और थोड़ा मसल दिया। अरे वाह, मेरा घुटना तो ठीक हो गया, खून बहना भी बंद हो गया। तुम दोनों को पौधों के बारे में बहुत ज्ञान है लगता है। धन्यवाद, मैं चलता हूँ खाने का बंदोबस्त करने, तुम दोनों भी अपने गाँव चले जाओ। धन्यवाद। सिम्बा वहां से चलने लगा।
नागराज रुद्र और नागरानी मनसा दुविधा में थे। सर फोड़ के मारने वाला कौन है और ये सब क्यों कर रहा है, ये जानने के लिए नागराज रुद्र और नागरानी मनसा सिम्बा के पीछे पीछे चलने लगे। अरे तुम दोनों मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, अपने गांव जाओ। सिम्बा, रात होने वाली है और हमें रास्ता अच्छे से पता भी नहीं है, हम दोनों को भी अपने कबीले ले चलो। ना बाबा ना, अगर मैं तुम दोनों को कबीले में ले गया तो सरदार मुझे भी मार देंगे। ऐसा क्यों? हमारे कबीले में कोई बाहर वाला नहीं आ सकता है, तुम दोनों जाओ, मुझे खाना ढूंढने दो, परेशान मत करो। अगर मैं तुम्हें बहुत सारा खाना दूं तो, जिसे सारे कबीले वाले कई दिनों तक खा सकते हैं। क्या सच कह रहे हो, इतना खाना है तुम्हारे पास? हाँ, उस विशाल पेड़ के पीछे रखा है, तुम कहो तो ले आऊं, बहुत सारे फल सब्जी अनाज तेल और भी बहुत कुछ है। अगर तुम ये सब मुझे दोगे तो मैं तुम्हें जरूर अपने साथ ले चलूंगा। नागराज रुद्र उस विशाल पेड़ के पास गए और उन्होंने अपनी शक्तियों से ढेर सारा खाना मंगवा लिया। ढेर सारी टोकरियों में फल सब्जियां धान की बोरियां और भी बहुत कुछ। तब तक नागरानी मनसा सिम्बा से बात करने लगी। सिम्बा, जो सर फोड़ कर मार देता है वो कैसा दिखता है? मैंने तो देखा नहीं है, बस सुना है, सिर फोड़ के मार देते हैं, बहुत शक्तिशाली होगा वो। तुम हमेशा अकेले ही शिकार पर आते हो क्या, डर नहीं लगता तुम्हें? लगता है डर, पर मैं अकेला नहीं था ना, मेरे बहुत सारे दोस्त मेरे साथ आए थे। अब वो कहाँ हैं? जब मेरे पीछे शेर पड़ा था तब मुझे बचाने के लिए कबीले वालों को बुलाने गए थे, ना जाने कहाँ रह गए, अब तक नहीं मिले। नागराज रुद्र वो सारा सामान सिम्बा के सामने रखने लगे। ये देखो कितने सारे सामान है मेरे पास। बाप रे बाप, इतना सारा खाना, कम से कम एक हफ्ता तो चल ही जाएगा। मनसा और रुद्र अपनी दिव्य शक्तियों से मन ही मन में बातें करने लगे। नागराज, मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। क्या? सिम्बा के साथ उसका मित्र भी आया था शिकार करने। अब वो कहाँ है? बस आशा है कि कुछ अनहोनी ना हो जाए उसके साथ। नागराज रुद्र नागरानी मनसा को पक्षियों की आवाजें आती है, पक्षियों की आवाजें सुनकर वो लोग रुक जाते हैं। बस कुछ ही दूरी पर हमारा कबीला है। यहाँ कुछ तो हुआ है, गिद्ध घूम रहे हैं, हमें देखना होगा। वो लोग पक्षियों की आवाज का पीछा करते हैं। कुछ दूर जाते ही नागराज रुद्र को किसी की लाश दिखती है। ये तो मेरा मित्र है, इसे भी सिर फोड़ के मार दिया। सिम्बा अपने मित्र की लाश देखकर बहुत रोया। उसकी आवाज सुनकर उसके कबीले वाले वहां पहुंचते हैं और नागराज रुद्र और नागरानी मनसा को घेर लेते हैं। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, मार दो इन्हें, यही दोनों सिर फोड़ के मार देते हैं हमारे लोगों को। कबीले वाले तीर कमान से नागराज रुद्र और नागरानी मनसा पर हमला करते हैं। जैसे नागरानी मनसा पर सरदार निशाना लगाते हैं, सरदार के सामने सिम्बा आ जाता है। सरदार, आप ये क्या कर रहे हो, इन दोनों ने ही मेरी जान बचाई है शेर से और आप इन दोनों पर ही हमला करवा रहे हो। तो ये लोग वो नहीं है तो ये लोग हमारे कबीले की ओर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सरदार, इन्होंने हमारे कबीले वालों के लिए खाने का प्रबंध किया है। ये दोनों बहुत अच्छे हैं सरदार, इन लोगों ने मेरा जख्म भी भर दिया, पेड़ पौधों का भी बहुत ज्ञान है इन्हें। सरदार, ये लोग कबीले वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सरदार, वहां देखिए रामू की लाश। अब कबीले वालों का ध्यान उस लाश की ओर गया और सभी की आंखों में आंसू आ गए। एक और कबीले वाले का खून हो चुका था। मेरा बेटा, मेरा बेटा, ये क्या हो गया? भैया, अब हमारा क्या होगा? देखो देखो, इसका भी सिर फोड़ के मार दिया है। ये सब हमारे कबीले के साथ ही क्यों हो रहा है? नागराज रुद्र और नागरानी मनसा कबीले वालों की बातें ध्यान से सुन रहे थे। कबीले का सरदार नागराज रुद्र और नागरानी मनसा पर नजर गड़ाए हुए था। उसे नागराज रुद्र और नागरानी मनसा पर शक हो गया था। रोने से अब क्या होगा, रामू इस दुनिया में नहीं है, यह सत्य है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे जिसने हमारे कबीले वालों की जान ली है। रामू की लाश को कबीले में ले चलो।
कबीले वालों ने लाश को उठाया और कबीले की ओर चल पड़े। रामू की लाश को कबीले लाया गया। हर कोई रो रहा था। नागराज, रुद्र और मनसा बातें कर रहे थे। यहाँ ये सब कौन कर रहा है? नागराज, हमें कबीले वालों से बात करनी चाहिए। जितना जल्दी हो उतना जल्दी ढूंढ निकालेंगे उस हैवान को। हाँ, हमारे होते हुए किसी के आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। तुम दोनों वहाँ पीछे क्या बात कर रहे हो? आगे आओ। रामू की लाश को जलाने के बाद सरदार रुद्र और मनसा की ओर बढ़े। तुम दोनों कहाँ से आए हो? सरदार, हम तो अपने गाँव जा रहे थे। किसी ने बताया कि जंगल के रास्ते जाएंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे। रास्ते में हम दोनों की बहस हो गई और रास्ता भूल गए हम दोनों। मुझे सिम्हा ने बताया कि तुम दोनों को पेड़ पौधों का बहुत ज्ञान है। क्या सच में तुम दोनों पौधों से दवाई बनाते हो? हाँ सरदार, गांव में हमारा दवा खाना भी है। ठीक है, आप दोनों हमारे मेहमान हो। कुछ दिन आप लोग हमारे साथ यहीं रहिए। जी सरदार। जल्द से जल्द कातिल को ढूंढना था, इसलिए नागराज रुद्र और नागरानी मनसा सारे कबीले वालों से पूछताछ करने लगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कैसा दिखता है सिर फोड़ के मारने वाला? कभी देखा तो नहीं है, पर सुना है। माँ जी, आपने कभी देखा है सर फोड़ने वाले को? मेरे सामने मेरे पति को मार दिया, पर मैं देख नहीं पाई। क्यों माँ जी? मेरी आंखों की रोशनी कमजोर है, मैं बस अपने पति की चीखें सुन पाई। क्या चल रहा है तुम दोनों का? कुछ नहीं सरदार। ज्यादा हलचल मत करो, ये कबीला मेरा है, यहाँ मेरा राज चलता है। पर सरदार, हम आप सबकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह अपने नाक मत अड़ाया करो, मेहमान हो मेहमान जैसे रहो। रात काफी हो गई है, जाकर सो जाओ। नागराज रुद्र ने सरदार को कुछ नहीं बोला। नागराज रुद्र, नागरानी मनसा चुपचाप अपनी कुटिया में चले गए। कुटिया में पहुंचकर वो दोनों अपने असली रूप में आ गए। उस सिर फोड़ के मारने वाले का पता नहीं चल रहा है और इन कबीले वालों का दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है। कैसे भी करके उस हत्यारे को ढूंढना ही होगा। नागराज, कोई तो सबूत मिलेगा उस हत्यारे के खिलाफ। कल सुबह चलेंगे, जहाँ रामू की लाश मिली थी, कुछ ना कुछ जरूर हाथ आएगा। वैसे भी कबीले वालों के आने से हम उस जगह की छानबीन नहीं कर पाए। मुझे लगता है सरदार हम दोनों को ही कातिल समझ रहे हैं। कहीं हमारा सच्चाई उन्हें पता तो नहीं चल गया? मुझे ऐसा तो नहीं लगता। कबीले के सरदार जैसे भी हो, कबीले की भलाई ही चाहता है। हमें जल्द से जल्द उस हत्यारे को पकड़ना होगा। अगली सुबह नागराज रुद्र, नागरानी मनसा जंगल में पहुंच गए, जहां रामू की लाश मिली थी, और वहां छानबीन करने लगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, वो सबका सिर फोड़ के ही क्यों मारते हैं? शायद इंसान जिंदा न बच सके इसलिए। तभी नागराज रुद्र का पैर कीचड़ में चला गया। ये मिट्टी कुछ ज्यादा ही चिपी चिपी है, देख के चलना। नागराज, इस मिट्टी के निशान लाश के आसपास ही हैं बस। पर ये मिट्टी तो इस जंगल की नहीं लग रही है, ऐसी मिट्टी तो दलदल में पाई जाती है। नागराज, शायद हमें कोई ढूंढ रहा है। कबीले का सरदार हमें ढूंढ रहा है। चलिए कबीले चलते हैं। जंगल से निकलते हुए कबीले के सरदार ने नागराज रुद्र और नागरानी मनसा को देख लिया। वहीं रुक जाओ तुम दोनों, इतनी सुबह सुबह क्या करने गए थे जंगल में? मैंने बोला था ना, मेहमान हो मेहमान जैसा रहो। तभी सिम्बा वहाँ दौड़ते हुए आया। सरदार, सरदार, मैंने बोला था इन्हें जंगल जाने। लेकिन क्यों? वो मेरी बहन खेलते खेलते गिर गई थी, हाथ में चोट लगी है, खून बंद ही नहीं हो रहा है, इसलिए जड़ी बूटियां लाने जंगल भेजा था। और बस तभी वहाँ एक कबीला वाला दौड़ते हुए रोते हुए आया। सरदार, जंगल में फिर से किसी की लाश मिली है, उसे भी सिर फोड़ के मार दिया। सारे कबीले वाले और नागराज रुद्र और मनसा उस दूसरी लाश के पास पहुँचे। हे भगवान, मेरा पति, मेरे पति को भी मार दिया। इसका भी सिर फोड़ दिया, ना जाने हमारे कबीले पे ये क्या श्राप है। एक के बाद एक कबीले वाले मरते ही जा रहे हैं। कुछ करिए सरदार, कुछ करिए। कबीले के सरदार को नागराज रुद्र और नागरानी मनसा पर ही शक था। वो तमतमाते हुए उन दोनों के पास गया। यही है वो कातिल, मैंने सुबह सुबह इन्हें इसी रास्ते से आते देखा है। ये दोनों ही वो कातिल हैं जो हमारे कबीले वालों को सिर फोड़ के मार रहे हैं। नहीं सरदार, ये दोनों हमारे दोस्त बनकर हमारे ही सीने में खंजर घोप रहे हैं।
यही है वो कातिल। हत्यारे, इन्हें मार दो, इन्हें मार दो। सरदार की बातें सुनकर कबीले वालों को भी नागराज रुद्र और नागरानी मनसा पर शक होने लगा था। वो लोग उन्हें घूरे जा रहे थे। अगर ये जिंदा रहे तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। मैं खुद इन्हें इस ओर से आते हुए देखा, ये जरूर वही है जो सिर फोड़कर मार देते हैं। सारे कबीले वाले नागराज रुद्र और नागरानी मनसा को घूरने लगे। एक कबीले वाला नागराज रुद्र और नागरानी मनसा पर हमला करने ही वाला था कि सिम्बा ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरा हाथ छोड़ दे सिम्बा, ये दोनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी बीवी को मार दिया, यहाँ तक मेरे बच्चे को भी नहीं छोड़ा। इनसे पूछ क्या बिगाड़ा था मेरे परिवार ने इनका। क्या तूने अपने आँखों से देखा है कि इन्होंने तेरी बीवी बच्चों को मारा है? नहीं देखा, पर सरदार बोल रहे हैं तो ये दोनों वही होंगे जो सिर फोड़ कर मार देते हैं। इन दोनों को आप लोग सिर फोड़ के मारने वाले समझ रहे हो, लेकिन अगर ये दोनों वो नहीं हुए तो आप सबसे बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, एक बेगुनाह को सजा देने का पाप। सिम्बा, तेरे बोलने से कुछ बदलने वाला नहीं है। ये दोनों वही है जो बारी बारी कर हमारे लोग का सिर फोड़ के मार रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से इन दोनों को जंगल से आते देखा है और फिर यहाँ लाश मिली। सरदार आप सही बोल रहे हो, कल बीच रात में मेरी नींद खुली थी, आधी रात तक ये दोनों सोए नहीं थे, इनकी कुटिया में रोशनी जल रही थी, शायद षड्यंत्र बना रहे थे अगले शिकार का। कैसा षड्यंत्र? ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? सरदार, जब मैं इनकी कुटिया के पास गया तो ये सुबह कहीं जाने की बात कर रहे थे। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप पहले से ही परेशान थे। वाह वाह, ये एक झूठ बोल रहा है, इसे तो आदत ही है झूठ बोलने की। कल रात ये खुद कुंभकर्ण की तरह सो रहा था। ये दोनों निर्दोष हैं। आप बेवजह इस श्याम की बात पर यकीन न कीजिए। अम्मा, तुम तो सारे कबीले वालों को बद्दुआ दे रही थी जब तेरे बेटे को सर फोड़ के मारा था, सारे कबीले वाले मर जाएं, ऐसी ही बद्दुआ दी थी ना? आज धीरे धीरे करके सब लोग मर रहे हैं। तू तो खुश होगी ना, तेरी बद्दुआ सही हो गई, इसलिए इन लोगों को बचा रही है। अरे चुप करो, आपस में लड़ना बंद करो। सरदार, मैं इन दोनों की जिम्मेदारी लेता हूँ, ये दोनों सिर फोड़ के मारने वाले लोग नहीं हैं। मैं जानता हूँ आप गलत फैसला नहीं लेते हो, पर मेरा मन बोल रहा है ये लोग अच्छे लोग हैं सरदार, निर्दोष हैं, किसी का खून नहीं कर सकते। सिम्बा, तेरे बोलने पे इन दोनों को छोड़ रहा हूँ, पर ये दोनों अब हमारे कबीले में नहीं रहेंगे, इतना तय है। लेकिन सरदार, ये दोनों जंगल में कैसे रहेंगे? वो ये देखें, मैं बस अपने कबीले वालों का ही सोचता हूँ, मुझे अब भी इन पर भरोसा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि कोई और मरे, इसलिए मैं इन्हें कबीले में रहने की इजाजत नहीं दे सकता। कबीले वालों ने सरदार की बात में हामी भरी और इसके बाद सारे कबीले वाले लाश को उठाकर कबीले की ओर चल पड़े और नागराज रुद्र और नागरानी मनसा जंगल की ओर चल पड़े। दूर जंगल में पहुंचकर नागराज और नागरानी अपने असली रूप में आ गए। कबीले के सरदार को पहले से ही हम दोनों पर शक था। कबीले वालों की भलाई के लिए सरदार कुछ भी कर सकते हैं। पर नागराज, हमें अब भी कबीले की रक्षा करनी होगी, सरदार और कबीले वालों से छुपकर। कबीले वाले तो हम दोनों पे शक करते हैं, कुछ तो सोचना होगा जिससे कबीले पे नजर भी रख सके और कबीले वाले हमें देख भी ना पाए। क्यों ना हम सिम्बा से बात करें, वो हम पर विश्वास करता है और उसी की कुटिया में रहे जिससे कोई देखेगा भी नहीं और हम कबीले पर नजर भी रख सकेंगे। अगर किसी ने हमें देख लिया तो हमारे साथ साथ सिम्बा भी मुसीबत में फंस जाएगा। नहीं नहीं, कुछ और सोचना होगा। अगर हम अपने नाग रूप में आकर कबीले पर नजर रखें तो ये जंगल ही तो है, नाग रूप में हम पर कोई शक भी नहीं कर सकता और ना ही कोई हमें देख सकता है। हाँ, अगर कबीले वाले हमें देख भी लिए तो पहचान नहीं पाएंगे, हम उनकी रक्षा भी करेंगे और उन्हें हमसे कोई परेशानी भी नहीं होगी। हाँ, यही सही है नागरानी। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा अपने नाग रूप में आ गए और कबीले की दिशा में चल पड़े। कबीले के आसपास नजर गड़ाए बैठे रहे। कुछ घंटे बीत गए, नागराज रुद्र और नागरानी मनसा उस जगह से टस से मस न हुए। फिर कुछ झाड़ियों की आवाज आई, वो सतर्क हो गए। उन्होंने देखा कि दो कबीले वाले बातें करते हुए जंगल की ओर जा रहे थे। इस कबीले में पल भर की शांति नहीं मिलती है, ना जाने कब कोई आएगा और मेरे परिवार को मार देगा, ऐसे डर में मुझे नहीं जीना है भाई।
अरे मैं आज रात ही कबीला छोड़ के भाग जाऊंगा, ऐसे कबीले में कौन रहेगा। हाँ, नागराज रुद्र और नागरानी मनसा कबीले वालों की बात ध्यान से सुन रहे थे। तभी सिम्बा पास आ गया। सिम्बा ने सांपों को पकड़ने की कोशिश की पर सांप दूर भाग गए। अरे गधो, तुम दोनों इतने समय से सांपों के पास खड़े थे, अजीब है उन सांपों ने तुम पर हमला क्यों नहीं किया। अरे हमें तो अंदाजा भी नहीं था कि हमारे आसपास सांप है। ध्यान दिया करो, और यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ कबीले में, ये जगह इतनी सुरक्षित नहीं है। सिम्बा ने कबीले वालों को डांट कर कबीले में भिजवा दिया और फिर खुद भी उनके पीछे चला गया। बाल बाल बचे, अभी सिम्बा के हाथ में आ जाते। नागराज, मुझे कुछ एहसास हो रहा है जैसे हम दोनों के अलावा और कोई है यहाँ। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा अपने असली रूप में चल रहे थे। दोनों के साथ कुछ अजीब सी मिट्टी भी चल रही थी। धीरे धीरे मिट्टी ऊपर आ रही थी। ये मिट्टी कैसे चल रही है और हमारे साथ क्यों चली जा रही है? कुछ तो गड़बड़ है नागराज। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा ने उस मिट्टी को घेर लिया। धीरे धीरे मिट्टी ऊपर आने लगी और राक्षस का रूप लेने लगी, और राक्षस का रूप लेकर उसने नागराज रुद्र पर हमला कर दिया। नागराज रुद्र और नागरानी बचते बचते उस मिट्टी के राक्षस पर हमला करने लगे। नागराज रुद्र और मनसा रुक गए। शायद इसका अंत हो गया नागराज, पीछे देखिए। नागरानी मनसा ने जैसे ही पीछे देखा, मिट्टी के राक्षस ने नागरानी मनसा को एक घूसा मार दिया। नागरानी मनसा नागराज रुद्र के पास जा गिरे। नागरानी, ये मिट्टी के राक्षस है, ये बार बार अपना रूप बदलता है, हम दोनों को चौकन्ना रहना होगा। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा के सामने से मिट्टी ऊपर आ रही थी। दोनों तैयार थे मिट्टी के राक्षस को मारने के लिए। जैसे ही उन्होंने उस राक्षस को मारा तो वो राक्षस मिट्टी का ढेर बन गया। पर उसी वक्त और कई मिट्टी के ढेरों ने नागराज रुद्र और नागरानी मनसा को घेर लिया, और सारे मिट्टी के ढेर मिट्टी के राक्षसों में बदल गए। नागराज, इन मिट्टी के राक्षसों का अंत कैसे करें? पता नहीं, ये मर ही नहीं रहे। तो पर तो किसी भी हमले का कोई असर ही नहीं हो रहा नागराज। हमें और कुछ कोशिश करनी चाहिए, ये राक्षस ठोस है। नागराज रुद्र, हमें जल प्रहार करना चाहिए, ये मिट्टी के राक्षस जल से ढह जाएंगे। हाँ, जल प्रहार ही इस्तेमाल करते हैं। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा ने मिट्टी के राक्षसों पर जल प्रहार किया। मिट्टी के राक्षस ढह गए। कुछ क्षणों बाद मिट्टी ने वापस आकार लिया और एक बार फिर मिट्टी के राक्षस उनके सामने खड़े हो गए। नागरानी, ये इतनी सरलता से नहीं मरने वाले, अग्नि प्रहार करते हैं, अग्नि से शक्तिशाली कुछ नहीं है, अग्नि इन राक्षसों को जरूर जलाएगी। जी नागराज। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा अग्नि प्रहार करते हैं, पर असर बिल्कुल विपरीत होता है। अग्नि प्रहार करने से मिट्टी के राक्षस और भी कठोर हो गए। ये तो और भी मजबूत हो गए हैं, अग्नि ने तो इन पर उल्टा असर किया नागरानी। जी नागराज। धीरे धीरे सारे मिट्टी के राक्षस नागराज रुद्र और नागरानी मनसा को घेर लेते हैं। नागराज वायु प्रहार करते हैं। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा मिलकर वायु का बवंडर बनाते हैं। मिट्टी के राक्षस जैसे ही नागराज रुद्र और नागरानी मनसा के पास आते हैं, वो उन पर बवंडर फेंक देते हैं और सारे मिट्टी के राक्षस तितर बितर हो जाते हैं। मिट्टी उड़कर दूर चली जाती है और राक्षस वापस जुड़ नहीं पाते। हमें इन सब का अंत मिल गया नागरानी, वायु प्रहार यही इन राक्षसों का अंत है। देखिए, ये दोबारा बन नहीं पा रहे हैं, ये राक्षस वायु की शक्ति के सामने कमजोर है, हमें इन्हें वायु की शक्ति से ही हराना होगा। बिल्कुल, अब ये दोबारा नहीं बन सकते हैं, मिट्टी के कणों ने वायु को तितर बितर कर दिया, अब ये अपने आप को समेट नहीं पाएंगे। राक्षसों का अंत करने का तरीका नागराज रुद्र और नागरानी मनसा को मिल गया है, पर ये सब करते सिम्बा ने उन्हें देख लिया है। नागरानी, वो देखिए सिम्बा, उसने ये सब देख लिया है। सिम्बा को कबीले पहुंचने से रोकना होगा, वरना हमारा सच कबीले वालों के सामने आ जाएगा और सब हमें गलत समझ बैठेंगे, उन्हें लगेगा कि हम ही वो राक्षस थे। सिम्बा के कबीले पहुंचने से पहले ही नागरानी मनसा सिम्बा को घेर लेती है और पीछे से नागराज रुद्र घेर लेते हैं। मुझे जाने दो, मैंने तो तुम दोनों पर विश्वास किया था, सरदार सही थे, मैं जाकर सरदार को सब सच सच बता दूंगा। सिम्बा, हमारी पूरी बात सुनो, फिर तुम्हें सरदार को जो जो बताना है बता देना।
सब तो देख लिया है, अब सुनने के लिए बचा क्या है? सिम्बा, तुम्हें समझना होगा कि हमने तुमसे झूठ क्यों बोला। अगर हम दोनों नहीं होते तो तुम्हारे कबीले वाले सब मर चुके होते, ये कबीले का नामो निशान मिट जाता। तुम दोनों भी तो कबीले वालों को मारने ही आए हो, तुम्हारा रूप देखो, हाँ आधे सांप आधे इंसान हो, इसका मैं क्या समझूं? देखो, हम दोनों एक इच्छाधारी नाग नागिन हैं। तुम्हें और कबीले वालों को हमसे डरने की जरूरत नहीं है। इन राक्षसों से इंसान नहीं लड़ सकते, शायद इसलिए भोलेनाथ ने हमें तुम्हारी सहायता के लिए यहाँ भेजा है। भोलेनाथ, मुझे माफ कर दो, ना जाने आप दोनों को मैंने क्या क्या बोल दिया, लेकिन आप दोनों को कैसे पता चला कि हमारा कबीला खतरे में है? बस तुम्हारा कबीला नहीं, पूरी दुनिया खतरे में है। पंच महाभूतों के राक्षसों ने अपनी अपनी सेना तैयार करना शुरू कर दिया है दुनिया पे राज करने के लिए, और हम उन सभी राक्षसों को रोकने के लिए ही निकले हैं। अब तो तुम हम पर विश्वास करोगे ना? आप दोनों दुनिया को बचाने के लिए निकले हो, ये बहुत बड़ा कार्य है। कबीले के सरदार ने इतना कुछ बोला आपको, फिर भी आपने कुछ नहीं किया, उनकी तरफ से मैं क्षमा मांगता हूँ। मुझे मिट्टी के राक्षस का अंत करना है। अच्छी बात है, कबीले के सरदार अपने कबीले वालों का सोचते हैं, उन्होंने जो किया बिल्कुल सही किया। नागराज रुद्र ने सिम्बा को सारी बातें सच सच बता दी। सिम्बा ये सब सुनकर थोड़ा भयभीत हो गया। बहुत सारे सवाल थे सिम्बा के मन में, जो एक एक करके बाहर आ रहे हैं। हमारा कबीला तो इतना छोटा है, हर दिन खाने की तलाश में भटकते रहते हैं, तो मिट्टी के राक्षस भला हमारी जान क्यों ले रहे हैं? वही तो पता करना है। तभी उन्हें किसी की चीख सुनाई दी। ये किसकी आवाज थी? किसी इंसान की चिल्लाने की आवाज है। वो लोग आवाज की दिशा में बढ़ चले। आगे जाकर देखते हैं, एक मिट्टी का राक्षस इंसान को मारकर उसके सिर से दिमाग निकाल रहा होता है। ये देखकर नागराज रुद्र और नागरानी मनसा मिट्टी के राक्षसों को पकड़ लेते हैं। ये क्या कर रहे हो? तुमने इस इंसान को क्यों मारा? क्योंकि मुझे आदेश मिला है। तुम इसके साथ ये क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा है, इस मूर्ख इंसान का दिमाग निकाल रहा हूँ। पापी कहीं के, तुम्हें क्या जरूरत है इसके दिमाग की? हमारे मिट्टी के राजा को इंसानी दिमाग की और जरूरत है। पर वो क्यों? राजा ने मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई है, उन मूर्तियों में इंसान का दिमाग लगा के मूर्छित मूर्तियों में जान देते हैं हमारे राजा, और हम जैसे राक्षस तैयार कर रहे हैं। तुम में से एक भी नहीं बचेगा। कुछ नहीं कर सकते हो तुम दोनों नाग नागिन, हमारा हमारा अंत नहीं हो सकता। नागराज रुद्र ने वायु प्रहार करके मिट्टी का बवंडर बनाया, और वो मिट्टी के राक्षस उस बवंडर के साथ तितर बितर हो गया। सबका अंत निश्चित है। सारी सच्चाई सामने आ गई। ये बातें कबीले वालों को बताना जरूरी है। हाँ चलो कबीला। सब लोग कबीले पहुँच गए। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा को देखकर सारे कबीले वाले दंग रह गए। कुछ लोग नागराज रुद्र और नागरानी मनसा को देखकर डर गए। इन्हें क्या हो गया? सिम्बा, ये सब क्या है? शांति, मेरी बात सुनो। जिन्हें देखकर तुम सब डर रहे हो, असल में ये दोनों हमारे कबीले की सुरक्षा के लिए आए हैं। ये दोनों असल में इच्छाधारी नाग नागिन है, और भोलेनाथ ने इन दोनों को एक बहुत बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए भेजा है। ये दोनों दुनिया को बचाने आए हैं पंच महाभूतों के राक्षसों से। अब तक इन्होंने जल के राक्षसों को हराया है, और अगला पड़ाव भूमि के राक्षस का है। हमें इन दोनों की सहायता करनी होगी। सिम्बा ने सब कुछ कबीले वालों को बता दिया। सरदार और कबीले वाले शर्मिंदा थे, उन लोगों ने मनसा और रुद्र के साथ बुरा बर्ताव किया था। हमने कितना गलत सोचा था भाई, हमें लगा था आप लोग हमें नुकसान पहुंचाने आए थे। देखा, तुम में से किसी ने मेरी नहीं सुनी, पर मुझे यकीन था ये दोनों खूनी नहीं हो सकते। यूं ही धूप में मैंने अपने बाल सफेद नहीं किए हैं। हमें माफ कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। आप दोनों हमें बचाने आए थे, पर हमने आपको ही गुनहगार समझ के आप दोनों पर ही इल्जाम लगा दिया। हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। सरदार और कबीले वाले नागराज रुद्र और नागरानी मनसा के सामने सर झुकाकर बैठ गए। देखिए, जो हो गया उस बात पे शर्मिंदगी कैसी।
हम सबको मिलकर उन्हें हराना होगा। जो होने वाला है उसके लिए हमें तैयार होना होगा। आपको हमारी सहायता करनी होगी। हाँ, हम तैयार हैं। हम सब आपके साथ हैं। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। कबीले वाले नागराज रुद्र और नागरानी मनसा के साथ खड़े हो गए और नागराज रुद्र और नागरानी मनसा तैयार थे मिट्टी के राक्षसों का वध करने के लिए। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा सारे कबीले वालों के साथ मिट्टी के राक्षसों को ढूंढने चल पड़े। वो लोग जंगल के रास्ते निकल पड़े थे। कुछ दूर चलने के बाद नागरानी मनसा को किसी खतरे का अंदेशा हुआ। रुक जाओ नागराज, कोई हमारा पीछा कर रहा है। एक मिट्टी का राक्षस लपक कर सामने आया और उसने सिम्बा को पकड़ लिया। तुम दोनों नाग नागिन इन कबीले वालों को बचा नहीं सकते। हमारे रहते हुए इन कबीले वालों को कोई नहीं बचा सकता। हम इन सबको मार देंगे। तुमने अब तक बहुत सारे कबीले वालों को मारा है, पर आगे किसी को नहीं मार सकते। अब हम लोग मौत बनकर तुम सारे राक्षसों के सिर पर मंडरा रहे हैं। तुम्हारी गलत फहमी है। तभी नागराज रुद्र अपनी पूंछ से मिट्टी के राक्षस को धर लेते हैं और सिम्बा मिट्टी के राक्षस की चपेट से मुक्त हो जाता है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। बता तेरा राजा कहाँ रहता है? अगर तूने मुझे उसका पता बताया तो शायद मैं तेरी जान बख्श दूँ। पूरब की ओर विशाल पेड़ के नीचे एक गुफा है, उसी में हमारा राजा रहता है। पर वहाँ तक तुम जिंदा पहुँच नहीं पाओगे, वो तुम्हें पहले ही मार देगा। वो हम देख लेंगे। नागरानी मनसा ने वायु प्रहार किया और वो राक्षस तहस नहस हो गया। हमें पूरब दिशा में चलना है। सभी लोग पूरब की दिशा में चले गए। कुछ दूर जाते ही कुछ कबीले वाले मिट्टी के दलदल में फंस जाते हैं। नागराज बचाइए, हमें बचाइए। हम नीचे जा रहे हैं, हमें बचाइए। कबीले वालों का आधा शरीर जमीन में धस चुका था। नागराज रुद्र ने फुर्ती से अपनी पूंछ लंबी करके सभी कबीले वालों को उसमें लपेट लिया और सभी को दलदल के बाहर खींच लिया। ये दलदल तो हमें मार ही देता। कितना खतरनाक है ये। आगे शायद और खतरा हो, हमें उचित नहीं लग रहा है। नागराज, कबीले वाले अपने कबीले में ही सुरक्षित रहेंगे, इन्हें हमारे साथ आगे नहीं आना चाहिए। हाँ सरदार, नागरानी सही कह रही है। आप सभी का कबीले लौट जाना ही सही रहेगा। आप लोग कृपया करके कबीले लौट जाइए। हम नहीं चाहते कि और कोई दुर्घटना हो या किसी और की मृत्यु हो। नागराज, हमारी मृत्यु तो पहले ही हो जाती। ये तो आप दोनों का कृपा है जो सारे कबीले वाले अभी तक जीवित हैं। हाँ नागराज, हम आपका साथ देना चाहते हैं, चाहे फिर हमारी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए। नहीं सिम्बा, तुम सबका जीवन अमूल्य है। हमने आप सबकी जान नहीं बचाई, भोलेनाथ ने बचाई है। और उन्होंने राक्षसों से लड़ने के लिए हमें चुना है और हम वो कार्य पूरा करेंगे ही। हम अवश्य विजयी होंगे, कृपा कीजिए लौट जाइए। ठीक है नागराज नागरानी, हम सारे कबीले वाले कबीले में आप दोनों का इंतजार करेंगे। कबीले वाले कबीले चले गए। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा ने अपना सफर पूर्व की ओर जारी रखा। कुछ देर पूर्व दिशा में चलने के बाद उन्हें एक विशाल पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के नीचे गुफा दिखती है। नागराज, वो देखिए, गुफा मिल गई। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा गुफा में चले जाते हैं और गुफा अपने आप बंद हो जाती है। नागरानी, कहीं से भी हमला हो सकता है। नागराज, किसी की हंसी की आवाज आ रही है। हाँ, देखते हैं ये आवाज कहाँ से आ रही है। गुफा के अंदर जाते ही सारी गुफा की दीवारों में चिपचिपी मिट्टी लगती है। सारी चिपचिपी मिट्टी राक्षस का रूप ले लेती है और नागराज रुद्र और नागरानी मनसा पर हमला करते हैं। पर नागराज रुद्र और नागरानी मनसा सारे मिट्टी के राक्षस को वायु प्रहार से तितर बितर कर देते हैं। सारी मिट्टी के राक्षस धूल बनकर उड़ जाते हैं। एक मिट्टी का राक्षस नागराज रुद्र के पीछे से हमला करता है। तू हमारी गुफा में हमें मारेगा। नागराज अपनी पूंछ से उसे जकड़ लेते हैं और अपने वायु प्रहार से उस राक्षस का वध कर देते हैं।
हमें इस हंसी को ढूंढना पड़ेगा। आखिरकार आवाज का पीछा करते हुए मिट्टी के राक्षस के पास पहुंच जाते हैं। मिट्टी के राक्षसों के राजा का शरीर इंसानों जैसा था, पर सर छिपकली का था, और इस गुफा के भीतर ऊपर नीचे सभी जगह दलदल की चिपचिपी मिट्टी लटक रही थी। यही है वो राजा। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा को देख मिट्टी के राक्षसों का राजा और जोर जोर से हंसने लगा। दीवारों पर चिपकी चिपचिपी मिट्टी धीरे धीरे राक्षसों का रूप ले लेती है, और ये राक्षस नागराज रुद्र और नागरानी मनसा पर प्रहार करते हैं। सारे राक्षस नागराज रुद्र और नागरानी मनसा को मिलकर दबा देते हैं। ये दृश्य देख मिट्टी के राक्षसों का राजा जोर जोर से हंसने लगता है। नागराज और नागरानी वायु प्रहार करते हैं। राक्षस तितर बितर होने लगते हैं। लगता है तेरे अलावा बाकी सब मर गए। अभी तेरी ये हंसी बंद होगी। नागराज रुद्र राक्षस के राजा की ओर बढ़ते हैं। मिट्टी के राजा ने अपनी छड़ी जमीन पर पटकी और धरती में लंबी दरार आ गई। नागरानी मनसा दरार में गिरने ही वाली होती हैं कि नागराज रुद्र उन्हें अपनी लंबी पूंछ से बचा लेते हैं, और फिर दोनों मिलकर वायु प्रहार करते हैं। पर मिट्टी का राक्षस टस से मस नहीं हुआ। नागरानी मनसा सारे प्रहार उपयोग करती हैं। मिट्टी के राक्षस को कुछ नहीं होता है। जल, बिजली, वायु, नागराज, उसकी शक्तियां उस छड़ी में है, हमें वो छीनना होगा। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा ने दोनों की शक्तियां जोड़ ली, और दोनों ने मिलकर वायु का बवंडर बनाया। दोनों की शक्तियां मिलने से विशाल वायु बवंडर बनता है। नागरानी, आप प्रहार करती रहें, मैं वो छड़ी छीनने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, पर शीघ्र कीजिए, मैं ज्यादा समय तक इसे रोक नहीं पाऊंगी। नागराज रुद्र चुपके से मिट्टी के राजा की छड़ी छीन लेते हैं। वायु प्रहार खत्म होते ही मिट्टी का राजा अपने हाथ में छड़ी ना पाकर क्रोधित हो जाता है और नागराज पर हमला कर देता है। नागराज रुद्र उस छड़ी से उस पर प्रहार करते हैं। नहीं, ऐसा मत करो, मेरा अंत हो जाएगा। मिट्टी का राजा अपने घुटने पर आ जाता है और नागराज के सामने हाथ जोड़ता है। इसकी छड़ी के बिना ये कुछ नहीं कर सकता है, इसकी सारी शक्तियाँ इसकी छड़ी में है। मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझे मेरी छड़ी वापस दे दो, दे दो। छड़ी वापस पाकर ये फिर से वही करेगा, फिर से युद्ध के लिए सेना बनाएगा। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मुझ पर कृपा करो नागराज, कृपा करो। हमें इसे एक अवसर देना चाहिए नागराज। ठीक है नागरानी, मिट्टी के राजा, मैं तुझे तेरी सारी शक्तियाँ वापस दूंगा, पर मुझे दो वचन चाहिए। पहला, तुम किसी भी इंसान या अन्य जीवों को नुकसान नहीं पहुँचाओगे, और दूसरा कि जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत हो तुम मेरी सहायता करोगे। हाँ, मैं वचन देता हूँ। नागराज रुद्र ने मिट्टी के राजा को उसकी छड़ी लौटा दी। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा कबीले की ओर चलने लगे। दोनों को देख कबीले वाले खुश हो गए। अब से कोई नहीं मरेगा, आप लोग बेझिझक जंगल में घूम सकते हैं, वो मिट्टी के राक्षस आपका कुछ नहीं करेंगे। धन्यवाद, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं होते तो आज इस कबीले में कोई भी जीवित नहीं होता। कबीले वाले खुश थे, और नागराज रुद्र और नागरानी मनसा कबीले वालों की खुशियों का कारण थे। अब हमें आज्ञा दीजिए, हमें और भी राक्षसों को हराना है। विजयी भवा। नागराज रुद्र की जय। नागरानी मनसा की जय। फिर नागराज रुद्र और नागरानी मनसा अगले दुश्मनों से युद्ध करने के लिए तैयार थे। अब कैसे दुश्मन मिलेंगे, जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड नागराज रुद्र।